भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे इन दिनों भोजपुरी फिल्म दूल्हा हिंदुस्तानी दुल्हन इंग्लिस्तानी की शूटिंग लंदन में पूरी करने के बाद अब वहां अपनी छुट्टियों के मजे ले रही हैं। उन्होंने अपना एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। इस वीडियो को उन्होंने लंदन में ही शूट किया है। वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने इंटरनेशनल भोजपुरी फिल्म अवार्ड शो सिंगापुर में होने की जानकारी दी है। इसके साथ ही उन्होंने को एक्टर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के साथ अपनी एक रोमांटिक तस्वीर भी शेयर की है। यह फोटो दोनों स्टार्स का एक नया भोजपुरी गाना लव दहेज का है। इस फोटो को आम्रपाली ने शेयर करते हुए लिखा, कल आ रहा है लव दहेज। इस फोटो के साथ आम्रपाली दुबे ने इस गाने का एक छोटा सा क्लिप भी शेयर किया है, जिसमें इस गाने की कुछ लाइनें आपको सुनने को मिलेंगी। बता दें, गाने के पोस्टर में दोनों स्टार्स का लुक काफी शानदार दिखाई दे रहा है। अब निरहुआ और आम्रपाली दुबे के फैंस को इस गाने को रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार है, जो कि 27 नवंबर को इस गाने का वीडियो रिलीज होने के बाद ही खत्म हो पाएगा। नेक्स्ट 9 भोजपुरी से रोहित की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आम्रपाली दुबे और मैं फिलहाल शूटिंग कर रही हूं लंदन में, और यहां से शूट कंप्लीट करके मैं सीधा जा रही हूं सिंगापुर। क्यों? क्योंकि सिंगापुर में होने जा रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री का इकलौता इंटरनेशनल भोजपुरी फिल्म अवार्ड। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।